ठीक है। तो इसके इधर ब्रेक्शुअल साइड पे देखिए, एक वाशिल है ये वाली, ये वाशिल आपने उतार लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरफ जब आप इसको करेंगे, ब्रेक्शू की दूसरी जो साइड है, इसके इस तरफ भी जो है एक वाशिल लगी हुई है, ये वाली भी आपने उतार लेनी है, ठीक है। ये वाशिल बारह मार रही काम आएंगी, ठीक है। ब्रेक्शू की साइड पर जो है एक ये प्लेन वाशिल है, और ये दूसरी साइड पर है वो कट वाली वाशिल है, ठीक है। तो इसका खोलना किस तरीके से है, तो इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको जो है ना, ये जो से हल्के वाले बोल्ट है ना, ये वाले, ये आपको खोलने पड़ेंगे, ठीक है। ये हल्के के जो बोल्ट लगे हुए सारे, ये खोलते हैं। है तो इस टाइम ये सील, मतलब इन्होंने लगाई हुई है इस पर, मेरे हल सिलिकॉन वगैरह लगाई है ताकि ये इस पर पानी वगैरह ना जाए, तो हम भी दोबारा बाद में लगा देंगे। बहरहाल फिलहाल हमारा काम है इसको खोलना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, ये ऊपर उठा दिया है, तो इसका एक्सल बहुत ज़्यादा जाम है। मतलब ये देखें, दोनों हाथों से मैं जोर लगा रहा हूँ, एक हाथ से ये नहीं घूमता, ये देखिए एक घूम रहा है, बहरहाल बहुत ज़ोर लग रहा है, काफ़ी मतलब जाम है। चेक करते हैं इसमें क्या मामलात हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है इसका, आपने सिंपल जो है ना ये बोल्ट खोलने, इसके चारों ये छोटे छोटे जो बोल्ट हल्के के लगे हैं ना, ये खोलने, पहले मैं ये खोल देता हूँ सारे, फिर आपको बताता हूँ क्या करते हैं। तो ये हल्की है मेरे पास, हल्की से जो है इसको ये खोलेंगे, इस पे जो है दोस्तों मैं ना एक माइनस का निशान लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है जब हम इसको फिट करेंगे तो हमें पता हो कि जो है ना इसकी मतलब निशान से लगा देते हैं यहाँ पे, हल्का सा एक मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये मतलब यहाँ पे भी इसके प्लेट के ऊपर वाले प्लेट के ऊपर भी, और ये यहाँ पे जहाँ पे स्पोके लगे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये भी निशान हमारा तकरीबन लग चुका है ये, ठीक है, ये निशान लग गया। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर इसको दोबारा फिट करना है, खोलने से पहले ही मतलब आप निशान लगा लें। तो जल्दी से इसके मैं बोल्ट खोल देता हूँ, तो दोस्तों इनके साथ जो है ना छोटी छोटी ये सारे बोल्ट मैंने खोल दिए हैं इसके, इनके साथ छोटी स्प्रिंग वाशलें भी होती हैं, तो दोबारा जो है स्प्रिंग वाशलें आपने लाजमी लगानी है, ये काफ़ी मतलब कि हमारे बोल्ट को जो है ना टाइट कर रखती है, दोबारा खोलने नहीं देती, ठीक है। तो ये लाजमी हम लगानी है, मैंने उसके सारे बोल्ट खोल दिए हैं, ठीक है। आपने चेक कर लेना सारे बोल्ट खोलने चाहिए, ठीक है, सारे बोल्ट। तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बोल्ट होते हैं, ठीक है, 10 बोल्ट आपने खोल लेने हैं। उसके बाद आपने किसको किस तरीके से आपको खोलने हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपने जो है बोल्ट सारे खोल के, उसके बाद आपने यहाँ से टायर को पकड़ना है दोनों तरफ से भी, थोड़ी सी मैं ऐसे ऊपर उठाता हूँ मोबाइल को, ठीक है। तो आपने यहाँ से दोनों तरफ से मतलब पकड़ लेना है, ठीक है, टायर को पकड़ के आपने इस तरह नीचे ज़मीन के ऊपर, तो नीचे ज़मीन के ऊपर आप लकड़ी वगैरह थोड़ा रख लें, ताकि इसकी चूड़ी वगैरह ख़राब ना हो नीचे एक्सल की। तो ये ठीक है, लकड़ी वगैरह थोड़ा मैंने ले ली है, तो ये इस तरह यहाँ पर आपने नीचे रखना है, ठीक है। इसके ऊपर इसको आपने ज़ोर से ऐसे ऊपर उठा के नीचे की तरफ मारना है ऐसे करके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जब इसको नीचे की तरफ मारेंगे, ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है ना रूटर शूटर सब कुछ जो है ना आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बाहर आ गया, अभी इसको यहाँ से इसको मैं यहाँ पे साइड पे रखता हूँ, ठीक है। इंदर और रूटर वगैरह सारा हमारा बाहर आ गया, अब इसका चेक करते हैं, इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, क्या क्या चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है, इसमें क्या क्या मामलात उन्होंने किए हैं। पहले तो ये दोस्तों इसकी सील थोड़ी सी डैमेज हुई है सिर्फ से, तो ये सील मैं नहीं लगाऊँगा, तो ये सील का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ इसकी बैरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जाम क्यों था, इतना जाम इसको होना नहीं चाहिए जितना मतलब व्हील हमारा जाम था, ठीक है। तो ये आप शुरू में वीडियो देख लें, अगर नहीं देखी तो किस मकसद के लिए मैंने खोला आपको पता होगा। तो ये इसके ना लगाए हुए मैगनेट, ये तो मैगनेट बड़े हैवी किस्म के लगे हुए हैं जी, ठीक है। तो ये सील का हिस्सा मैं एक साइड पर रख देता हूँ, इसमें और चेक करते हैं क्या मामला हैं। इतना खास कुछ नहीं है, बस अंदर इसके लगे हुए मैगनेट ही लगे हुए सारे, इनको तो फिलहाल हमने कुछ करना नहीं, मैगनेट वगैरह ये ठीक है, इसका मसला नहीं है, मैंने सिर्फ चेक करना है कि इसका व्हील जाम क्यों था। तो इसको सीधा करके देखते हैं, ये सील एक लगी हुई है, ये सील निकाल लेता हूँ, ये
कि दोबारा सील मैंने यही लगानी है क्योंकि इसकी सील मिलेगी नहीं, बड़े प्यार से निकालनी पड़ेगी। तो इसी तरह से इसको प्रेस करते हैं, कुछ चीज़ मारते निकल जाएगी। ये गोट रख के इसको गोट से निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये ब्रिक्शू वाली साइड पर जो से हमारी सील लगी हुई है, तो इसका भी नंबर शंबर देख लेते हैं क्या है, ताकि वीडियो में तो मेंशन हो जाए। 21537 नंबर है इसका। ठीक है, जो ब्रिक्शू वाली साइड पर जो सील होती है उसका नंबर है जी 21537। ठीक है, हाँ 21537 ही है। नोक वालों की डली हुई है, अच्छी सील है। तो चलें जी, इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं, हम देखते हैं बैरिंगों में क्या मामला हैं, बैरिंग वगैरह इसके कैसे हैं, तो इसको साइड पे करते हैं। तो भाई आप आ जाओ, अब ये देखें यहाँ पे जो से कितने, बिल्कुल ये देखें यहाँ पे, मतलब इजीली घूम रहा है इतना, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें यहाँ पे आसानी से बिल्कुल घूम रही है। तो वहाँ पे जो से जब व्हील में फिट थी तो उसमें इतना जोर लग रहा था, जोर क्यों लग रहा था ये भी चेक करते हैं। तो बैरिंग तो इस तरह अगर देखा जाए तो बैरिंग इसके बिल्कुल ठीक है, ये बैरिंग तो बिल्कुल मतलब सही है, इसमें कोई इतना ख़ास फर्क नहीं है। तो हरा स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग थोड़ा सा मैंने ख़राब कर दिया, बहरहाल यहाँ से इसको काट देते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है इसमें ये पूरा स्प्रिंग बना हुआ है ये वाला एक, तो इसको इस तरह पीछे कर देते हैं केबल से। प्ले इसलिए देखते हैं इसमें, हाँ इसमें प्ले है थोड़ी सी, ठीक है इसमें प्ले है, तो इसमें देखते हैं इस बैरिंग में प्ले है कि नहीं है। ये ठीक है, तो बैरिंग का नंबर भी इसका जी 6204 नंबर है इसका, और 6204 मुझे लगता है कि उसमें यूज़ होता है, तो शायद वो होंगी। तो दोस्तों इसका जो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये बाकी तो इसकी मोटर इतनी मतलब ठीक ही है, इसमें जो आवाज़ अभी आ रही है, एक मैं आवाज़ आपको चेक करा देता हूँ, ये बैरिंग की आवाज़ है। देखिएगा अभी थोड़ा सा मैं नज़दीक करता हूँ मोबाइल को, और इस प्लेट को मैं घुमाता हूँ, ठीक है, तो आपने आवाज़ सुननी है। ये देखें, ठीक है, पता नहीं आवाज़ आपको आ रही होगी नहीं आ रही हो, मैं नज़दीक आ रहा हूँ मोबाइल के, ये देखें, ठीक है। तो ये इसकी जो से ये वाला बैरिंग मुझे लगता है जहाँ तक ख्याल है कि इसका ही बैरिंग ख़राब है। तो ये बैरिंग खोलने के लिए ना इसका थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं खुद करता रहूँगा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी बहुत लंबी हो गई है। तो फिर भी आपने कोई मालूमात लेनी हो ना, मुझे तो पता है इस चीज़ का, तो आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना कॉन्टैक्ट करके ना वॉइस मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कोई मालूमात लेनी हो, जो मेरे पास मालूमात होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको जो है ना ये वाला पल्ला भी हमने खोलना है, तो ये पल्ला इस तरह इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा अगर थोड़ियाँ वगैरह यूज़ करूँगा तो ये टूट जाएगा, तो थोड़ी से थोड़ी से नहीं खुलता। तो इसको दोबारा मुझे जो है ना व्हील में फिट करके ना ये वाले नट वापस दोबारा लगाने पड़ेंगे, जो बोल्ट हमने खोले हैं। तो ये वाला बैरिंग, ये वाला ठीक है बैरिंग, इसमें इतनी खास प्ले नहीं है। तो इसमें खाली इसको खोल के जो से ग्रीसिंग करते हैं पहले, फिर क्योंकि एक तरफ से साइड हमारी सारी बंद हो जाएगी, फिर दूसरी साइड पे जाएंगे। तो ये भी देखें जी, इसको मैंने जो था ना छोटा सा आपने टेस्टर ले लेना, यहाँ से इसको खोल के देखते हैं अंदर इसकी ग्रीस वगैरह है या कोई नहीं है, क्योंकि जो नए बैरिंग होते हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा ग्रीस यूज़ करते होंगे। तो ये देख लें आपके सामने, ये इतनी खास इसमें ग्रीस नहीं है, तो ग्रीस हमारे पास वैसे पड़ी हुई दुकान में, तो ग्रीस करके जो है ना इसको मैं दोबारा यहीं पे बंद कर दूंगा। तो पहले ग्रीस लेके आ जाते हैं, तो इसको आपने इसी तरह ग्रीसिंग इतना मुश्किल नहीं है इसमें, आप ये जो है ना ग्रीस है, ठीक है, तो इस तरह आपने लगानी है, इसको बांध देना बैरिंग को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी ग्रीसिंग खोला है, जब खोलेंगे तो ग्रीसिंग लाजमी कर दें, क्योंकि फिर बार बार खुलती तो नहीं है। तो जब भी ये मोटर खोले ना, ये इसकी आप मोटर खोलें तो इसको ग्रीस लाजमी कर दें, तो ये ग्रीसिंग भी हो गई है। तो अब इसके ऊपर मैं सील दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है, सील से काफ़ी मतलब सेफ्टी होती है। अच्छा, सील हमारी लग चुकी है, बैरिंग ग्रीस हो चुकी है, इसके ऊपर से कपड़ा मार के ना कपड़ा लगा के साफ़ कर देता हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्रीस है वो सारी हमारी निकल जाए, साफ़ हो जाए। तो अभी इसका जो एक तरफ से ये बैरिंग इसका ठीक है, इसमें बिल्कुल इतनी खास प्ले नहीं है जिस तरह मतलब प्ले होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बहुत शोर कर रहा है, उसको भी खोलते हैं, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या मामला है। तो इन्होंने लगाई थी यहाँ पे, क्या लगाई हुई थी चीज़ इन्होंने, जो इन्होंने जो आई लिखी थी ये लगी हुई है, वही सिलिकॉन लगी हुई है। तो यहाँ मैं सिलिकॉन यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसको फिट करना है, मैंने इस तरफ से अब नहीं खोलना, दूसरी तरफ से खोलना है,
तो यहाँ मैं सिलिकॉन लगा देता हूँ। फिर सिलिकॉन लगा के ये है कि लीकी शीकीज का पानी जाने का ख़तरा नहीं होगा। पहले मैं यहाँ सिलिकॉन सारी लगा के फिर दोबारा इसको व्हील में फिट करूँगा, फिर हमने दूसरी साइड खोलनी है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से खुलेगी, ये सारा हमारा फिट होएगा। यहाँ पे हमने जिस तरह से खोला है वहाँ सारा फिट होगा। फिर हमने पहले हमने इसको यहाँ से जो है ना इस तरह था ना, हमने इसको किया है ऐसे नीचे की तरफ मारा है, तो हमारा जो है ना ये पल्ला बाहर आ गया। अभी इसको जो दोबारा फिट करेंगे तो इस तरह करके इसको नीचे करके ना ऐसे इसको मारेंगे तो हमारा ये बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह तो दोस्तों सिलिकॉन में ले आए हूँ, तो इसको इसी तरह सारी यहाँ पर सारी जगह मैं सिलिकॉन लगा देता हूँ। ठीक है, सिलिकॉन नहीं कराए तो अच्छी बात है। सुराख इसका थोड़ा भरी है, सुराख थोड़ा मैं खुला कर देता हूँ, सुराख खुला करके, तो क्योंकि बहुत बारीक है, काफ़ी टाइम लगेगा निकलते हुए, हार्ड भी होती है। तो सुराख हमारा खुला हो गया इसका। अभी जो है ना यहाँ पे सारी जगह पे मैं सिलिकॉन लगा देता हूँ इसकी प्लेट के ऊपर। तो ट्यूब के साथ लगा दिया, अब इसके ऊपर मैं हल्की सी फिंगर लगा ताकि जो है ना सारी जगह पे सिलिकॉन लग जाए। फिर यहाँ से इसका जो है ना पानी अगर जाएगा तो पानी जा ही नहीं सकेगा, सिलिकॉन यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये साफ़ हो गया। अभी इसको दोबारा हम व्हील में फिट करते हैं एक साइड, जैसे हमने खोली थी इसी तरह इसको आपने जो है ना रिम को रखना है इस तरह पहले सीधा नीचे। ठीक है, नीचे रख के तो इसको आपने जो है ना आपको पूरे को जो है ना उठा के इसके अंदर डाल देना। ठीक है, इसमें मैग्नेट लगे हुए हैं, मैग्नेट अपना फिर काम कर रहे हैं, मतलब इसने एकदम पकड़ लिया मैग्नेट ने इसको। तो उसके भी हमारा जो है थोड़ा सा ये हाँ भी यहाँ से अगर आप देखें थोड़ा सा भी बाहर है, तो इसको जिस तरह हमने खोला था उसी तरह जो है ना मुखालिफ सिमत में हमने पहले जो है इसको यहाँ पर जो है हमने नीचे ये लकड़ी का गुटका रखा था ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमने इसको जब इसको ज़रूरत दी थी तो हमारा सारी प्लेट बाहर आ गई थी। अब हमने जो है ना इसकी उल्टी तरफ यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ हमने रखना है गुटका, उसको ऊपर से मतलब उसको छोड़ेंगे तो ये जो है ना प्लेट साथ जुड़ जाएगी। तो निशान आपने चेक कर लेना बराबर करके, निशान सही होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे निशान लगाया था मैंने निशान लगा के चेक किया है, वो निशान बिल्कुल अपनी जगह पे। ठीक है, तो अब इसको हाली उठा के ऐसे लकड़ी के ऊपर मारूंगा, ऐसे उठा के लकड़ी के ऊपर ऐसे दो तीन दफा मारूंगा तो हमारी प्लेट बिल्कुल बैठ जाएगी साथ। ये प्लेट हमारी यहाँ बैठ चुकी है, तो अभी इसके जहाँ फिर मैं निशान चेक कर रहा था, क्योंकि जो मैंने निशान लगाए थे वो बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं बराबर। तो ये निशान मैंने लगाया था ये बिल्कुल बराबर है, इसका सुराख में चेक कर पेचकस के साथ ही इसको तो दोस्तों सुराख मैंने इसके मतलब पेचकस से साफ सुफ करके तो मैंने सुराख बराबर कर दिए हैं, हालाँकि निशान भी लगाया था बहुत थोड़ा निशान गलत लगा था। अब इसके जल्दी से जो है इसके सारे बोल्ट मैं ये लगाता हूँ वापस यहाँ पर, इनको मतलब सारे बोल्ट लगा के इन बोल्टों के साथ स्प्रिंग वाशर एक छोटी सी लगी हुई वो आपने लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये बोल्ट में लगा के जल्दी से पहले सारे टाइट करता हूँ, फिर इसको जो है सारा टाइट करके फिर इसको दूसरी साइड से खोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक बैरिंग जो ग्रीस हुआ है जो दूसरी साइड वाला नीचे वाली तरफ वाला तार वाली साइड वाला दूसरी साइड वाला ग्रीस हुआ है, अभी हमने जो है ना ये वाला ग्रीस करना है। तो ये खोलने ये जो है ना बैरिंग निकालने के लिए हमें ये पल्ला यहाँ से बंद करना पड़ेगा सारा बंद करके, तो वो वाले सारे बोल्ट दूसरी तरफ वाले सारे बोल्ट खोलने पड़ेंगे, फिर हमारी प्लेट बाहर आएगी और बैरिंग सामने नज़र आएगा, फिर हम उसको जो है ना ग्रीस करेंगे। तो जल्दी से मैं जो है इसके ये 10 काबले हैं ये लगाता हूँ, लगा के फिर इसको मैं उल्टा के आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों बोल्टों को आपने जो है ना क्रॉस में टाइट करना है। ठीक है, जो भी सारे बोल्ट होते हैं क्रॉस में टाइट होते हैं, तो क्रॉस में टाइट करेंगे तो फिर कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तो ये सारे मतलब है कि इस तरह में टाइट कर दिए मैंने, हाथों से किए थे भी प्लास से करूँ, क्योंकि हल्की छोटी है इस पर इतना जोर नहीं लग रहा।
देखो दोस्तों ये फाइनली जोन से इस तरफ से हमारी जोन से है ना बंद हो चुकी है प्लेट। अभी हमने जोन से ना इस तरफ वाला जो बैरिंग है ना ये वाला बैरिंग वाज कर रहा था, तो ये बैरिंग खोलने के लिए हमें इस व्हील को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा करके तो जो ब्रिक्शू वाली साइड होती है तो ये ब्रिक्शू वाली सारी साइड के जो से ये बोल्ट खोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मतलब इसको जैसे ऊपर करेंगे जैसे मतलब इसको नीचे जोर लगाएंगे तो हमारा ये वाला पल्ला जो से इधर रहेगा ये वाला पल्ला। ठीक है, तो ये बैरिंग और सारी मतलब चीज़ें बाकी हमारी वहाँ पर बाहर चली जाएंगी, तो इसको खोलते हैं फटाफट। तो इसके जल्दी से जो से ये 10 बोल्ट लगे हुए हैं हल्की के, ये मैं खोलता हूँ, खोल के फिर जो भी प्रोसेस आ गया आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से इसकी ग्रीसिंग वगैरह नहीं होती तो खोलना ही पड़ेगा इसको। जल्दी से मैं खोलता हूँ इसको। तो दोस्तों ये बोल्ट खोलने से पहले जो सा क्योंकि जो मैंने दूसरी साइड खोली थी वो बंद करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, तो इस दफ़ा ये मेरे पास पेन है, पेन के साथ जो सा मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ ताकि जो सा मुझे बिल्कुल परेशानी वगैरह ना हो कि जब इसको फिटिंग करने के दौरान सुराख वगैरह हमारे गुम हो गए थे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाइए। तो मैंने कहा चलो ये इस तरह आपने इस तरह पेन से मतलब आपने निशान लगा देने। ठीक है, तो ये एक तरफ लग गया निशान, ये इस तरफ भी लग गया, यहाँ पे भी लगा दे नज़र आ जाएगा ये। ठीक है, ये भी देखिए निशान पेन के साथ आपने भी लगाना है ताकि वाजिया हो जाए इसका जो सा है मतलब